हेलो गाइस, आइए हम लोग आगे अपना टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, रियल एनालिसिस को। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अपर बाउंड, लोअर बाउंड, ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये सब हमने समझ लिया था। ठीक है, आज देखिए कि एक एग्जांपल है छोटा सा। एक आपको सेट गिवेन है, ठीक है, सेट आप देख रहे हैं कैसा है। एस इक्वल टू ए वन, वन बाई टू, वन बाई थ्री, वन बाई फोर टू शो ऑन। ये एक सेट है, इसका हमको अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, लोअर बाउंड ली और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ये फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले अपर बाउंड बताइए। जैसे अगर हम लोग देखें तो जो मेरा वैल्यू है, ठीक है, सबसे बड़ा वैल्यू तो वन है इसका, और फिर ये क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। ठीक है, तो जो अपर बाउंड होगा यानी इस सेट के सारे एलिमेंट से बड़ा या बराबर, तो वो क्या होगा, वन होगा, ठीक है, टू होगा, थ्री होगा। ठीक है, तो क्या हम लोग बोलेंगे कि वन टू थ्री फोर, ये जो है आपका आर अपर बाउंड्स, अपर बाउंड्स ऑफ एस। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड लीस्ट अपर बाउंड, तो इनमें सबसे छोटा कौन है, तो वन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वन इज लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, अच्छा, नंबर थ्री, नंबर थ्री आपको बोल रहा है लोअर बाउंड। ठीक है, तो लोअर बाउंड अगर देखा जाए तो सारा इसमें पॉजिटिव वैल्यू है, और आप देख रहे हैं कि ये क्या होता जाएगा, ये वन से स्टार्ट होकर ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो फाइनली ये कहाँ तक जाएगा, अगर आप देखेंगे तो 0.5, ये 0.33, 0.25, ठीक है, 0.2, 0. इस तरीके से आप देखेंगे ये बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये सारा पॉजिटिव वैल्यू ही है, तो जीरो तक जाएगा। तो अगर हम जीरो को बोलें तो जीरो, ठीक है, फिर निगेटिव वैल्यू -1, -2, -3, ये सब सारा जो वैल्यू है, ये वैल्यू कैसा है, तो ये सब वैल्यू क्या होगा आपका, इस सारे एलिमेंट से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, आर लोअर बाउंड्स, आर लोअर बाउंड्स ऑफ एस। ठीक है, अच्छा, नंबर फोर, नंबर फोर आपको बोलता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, जीरो, तो जीरो क्या हो गया, जीरो इज जी एल बी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, ओके, ये हम लोग का क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो हम आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, वो आप मार्क कीजिए। देखिए, पहले तो जो अपर बाउंड होता है वो क्या है, वो नॉट यूनिक, यूनिक नहीं होता। ठीक है, ओके, तो अपर बाउंड कभी आपका यूनिक नहीं होता है। इसी तरीके से जो लोअर बाउंड है ये भी यूनिक नहीं होता है, यानी एक से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो लीस्ट अपर बाउंड है या जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ये हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है, ओके, ये हम लोग नोट में लिख लेंगे। अच्छा, और ये चीज देखिए कि यहां पे वन जो है आपका, ये सेट का ही एलिमेंट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे जो LUB है इज कॉन्टेंड, या हम लोग इसको क्या बोलते थे, इज अटेंड। ठीक है, इज अटेंड इन एस, इन एस। ठीक है, क्योंकि ये सेट से मिला। लेकिन आप देखिएगा तो ये जो GLB है, तो GLB आपका सेट में नहीं है, आप देखिएगा तो, ठीक है, सेट में नहीं है, इसलिए कि ये वन है, वन बाई टू है, वन बाई थ्री है, ये काफी बड़ा होगा तो वन बाई एन होगा। ठीक है, लेकिन जीरो तो नहीं है इसमें, तो हम जीरो को इसमें नहीं है। ठीक है, तो चूंकि जीरो इसमें नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, GLB इज नॉट अटेंड इन एस, नॉट अटेंड इन एस। ठीक है, तो हम लोग को जीरो मिला कहां से, हम लोग को जीरो मिला एक्चुअली इसका लिमिट वैल्यू, क्योंकि ये वन है, वन से ये घटता जा रहा है, तो घटते हुए ये कहां पर पहुंचेगा, जीरो के क्लोज पहुंच जाएगा। जीरो तो इसमें नहीं है, बट ये जीरो के क्लोज पहुंच जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, लिमिट वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर एन काफी लार्ज होगा तो जो वन बाई एन है, यानी इस सेट का जनरल वैल्यू, ये क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग जीरो लिखे।
ओके, और जीरो मेरा जीएलबी बना। तो जो मेरा एलयूबी है और जीएलबी है, ये मेरा सेट में अटेंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये आपको हम स्टार्टिंग में ही बताए थे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट कर लीजिए कि आपका जो लीस्ट अपर बाउंड है या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ये सेट का मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसी तरीके से जो अपर बाउंड है, लोअर बाउंड है, ये सेट का मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ओके। जैसे आप देखेंगे वन, तो वन तो सेट का मेंबर है, लेकिन टू थ्री फोर ये सब सेट में नहीं है। इसी तरीके से ये जीरो, ये कोई भी लोअर बाउंड सेट में नहीं है आपका, ठीक है। ये सब नोट को आप अच्छे से काफी ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे बहुत लाइफ में काम आने वाला है, ठीक है। ये नोट मेरा ध्यान से रखिएगा, इसलिए कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। तो नोट नंबर वन, क्या जो हमारा लोअर बाउंड होता है, लोअर बाउंड, ठीक है, या हमारा जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, फिर हमारा जो अपर बाउंड होता है, ठीक है, या हमारा जो लीस्ट अपर बाउंड होता है, ये सारी चीजें, ठीक है, मे अटेंड इन सेट, अटेंड इन सेट और मे नॉट बी अटेंड, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरा नोट क्या है? दूसरा नोट ये है जो हम लोग ने अभी देखा कि जो आपका लोअर बाउंड है, ठीक है, या अपर बाउंड, ठीक है, एलबी लोअर बाउंड या अपर बाउंड, ठीक है, इज नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं होता, ये एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है या जो लीस्ट अपर बाउंड है, ये क्या होगा, ये आपका यूनिक होगा। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे एक चौथी बात इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, बताना चाहता हूं, वो है क्या, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एस, ठीक है। आपको लगता होगा कि मैं सुप्रीमम इन्फिमम का बात कर रहे हैं, तो ये तो मैक्सिमम और मिनिमम की तरह है, तो मैक्सिमम और मिनिमम की तरह नहीं है, ठीक है, उसके जैसा है कह सकते हैं, लेकिन वो चीज अलग है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अलग चीज है, लीस्ट अपर बाउंड अलग चीज है, मैक्सिमम अलग है, मिनिमम अलग है, ठीक है। हाँ, जो मेरा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ठीक है, यानी जिसको आप इन्फिमम बोलते हैं, ये आपका मिनिमम कहलाएगा, कब, जब ये सेट में अटेंड करे, ठीक है। तो जैसा हम लोग देखे कि मेरा जीएलबी या एलयूबी सेट में अटेंड नहीं करता, या अटेंड कर भी सकता है, अगर अटेंड करेगा तो वो मैक्सिमम और मिनिमम कहलाएगा, ठीक है, जिसको आप पहले से जानते हैं। तो आपको अब लग रहा होगा कि मैक्सिमम और मिनिमम से भी बड़ा टर्म है क्या, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड। तो पहले ये हम लोग का नॉलेज में मिसिंग था, लेकिन अब आपके नॉलेज में आ रहा है, तो आपको काफी इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो देखिए मैक्सिमम क्या होता है, ठीक है, मैं लिख देता हूं, तो लीस्ट अपर बाउंड जो आपका सुप्रीमम है, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है, और सुप्रीमम वैल्यू, सुप्रीमम वैल्यू, ठीक है, इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू, इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एस, कब, व्हेन इट इज अटेंड इन एस, अटेंड इन एस, ठीक है। अगर ये मेरा जो वैल्यू है वो सेट में ही से मिलता है, लिस्ट अपर बाउंड या तो सुप्रीमम, तो उसको हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एक तरह का लिस्ट अपर बाउंड है जो सेट में से मिलता हो, अगर सेट में से नहीं मिलेगा तब ये मैक्सिमम का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा जीएलबी है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या तो इनफीमम, इनफीमम वैल्यू इज कॉल्ड मिनिमम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिनिमम बोलेंगे, वैल्यू ऑफ एस, व्हेन इट इज अटेंड इन एस, ठीक है। तो अगर एस में से मिलता है तो जीएलबी ही आपका मिनिमम कहलाएगा, अगर सेट के अंदर से मिलता है तो आपका लिस्ट अपर बाउंड ही आपका मैक्सिमम कहलाएगा। लेकिन इन जनरल हम लोग देख चुके ऊपर में कि लिस्ट अपर बाउंड या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमेशा सेट से मिले, ये जरूरी
नहीं है। ठीक है, आगे चलिए कुछ और कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ठीक है, पहले मैं इसको जो है अपने शीट को टू पार्ट में कर लेता हूं। आइए, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, आपको जो है ना एग्जाम में काफी सारा एग्जाम्पल आपको डील करना पड़ेगा। ठीक है, आपको एग्जाम में बहुत सारा एग्जाम्पल दे करके आपको पूछा जाता है कि आप लीस्ट अपर बाउंड बताइए या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बताइए। ठीक है, तो आप कहां पे कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो कुछ मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूं ताकि उससे आपको फिर आगे करने में इजी हो जाए। ठीक है, आइए, देखिए क्वेश्चन हम लोग के पास में। एक एग्जाम्पल है, ठीक है, क्या है एग्जाम्पल, एक सेट आपको दिया हुआ है s इक्वल टू 1/2, 3/4, 1/2 के बाद 2/3, ठीक है, फिर 3/4 डॉट 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 n/n+1, ये इसका जनरल जनरल टर्म हो गया। इस तरह का सीक्वेंस है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपको बोलता है कि आप इसका सुप्रीमम फाइंड आउट कीजिए और आप इसका जो है इन्फिमम फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, क्या बोलता है, फाइंड इन्फिमम इस एंड सुप्रीमम इस। ठीक है, सुप्रीमम वैल्यू फाइंड करना है और इन्फिमम वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, ओके, अच्छा, तो देखिए जैसे इसमें हम लोग देखें अगर, तो जाहिर सी बात है कि ये 1/2 है, 2/3 है, 3/4 है, n/n+1 है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो सारा वैल्यू आपका क्या है, आप देखिएगा तो 1/2 से जितना भी वैल्यू है आपका वो सारा वैल्यू 1/2 से स्मॉलर है, सॉरी ग्रेटर है। ठीक है, और या तो इक्वल है। क्लियर है, इसलिए कि ये 0.5 है, ये आपका क्या हो जाएगी, आपका 0.6, 0.75, इस तरीके से। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ऐसे सोल्व कीजिएगा। ठीक है, लिखिएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस वी हैव, क्या मेरे पास जितना भी एक्स है वो क्या है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 है। सारा वैल्यू क्या है, 1/2 से बड़ा है या तो बराबर है। ठीक है, तो यानी ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया इन्फिमम इस। ठीक है, देयरफॉर इन्फिमम तो हम लोगों को मिल गया, क्या मिल गया, इन्फिमम इस हमको मिल गया 1/2। ठीक है, क्योंकि 1/2 इन्फिमम क्या होता है आपका, लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, तो ये लोअर बाउंड है, सबसे बड़ा है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, इन्फिमम हो गया। इसलिए कि अगर लोअर बाउंड लिखा जाएगा तो क्या होगा, एक 1/2 होगा, फिर आपका 0 हो सकता है, -1 -2। ठीक है, तो उन सब में ग्रेटेस्ट आपका 1/2 होगा। ठीक है, और ये जो 1/2 है, ये चूंकि इस सेट से मिल रहा है तो क्या है, ये इसमें अटेंड कर रहा है। ठीक है, इज अटेंड अटेंड इन एस, तो इसमें अटेंड कर रहा है। ठीक है, ओके, अच्छा, अब आइए सुप्रीमम को निकालते हैं हम लोग। तो देखिए सुप्रीमम जब हम लोग देखेंगे तो सुप्रीमम हमको तो पता चलेगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका जनरल वैल्यू का लिमिट निकाल लेते हैं। ठीक है, एंड सुप्रीमम एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तरीका लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी n/n+1। ठीक है, इसका आप निकाल लीजिए जनरल वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, ये क्या जा रहा है, 1। ठीक है, ओके, तो जो हमारा 1 आया है, 1 हमारा सेट में नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये नॉट बिलोंग्स टू एस, ये एस में बिलोंग नहीं करता है। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, जो मेरा सुप्रीमम एस है वो क्या है, इज नॉट अटेंड इन एस, नॉट अटेंड इन एस। ठीक है, तो सुप्रीमम भी मिल गया आपको, सुप्रीमम 1 है जो अटेंड नहीं करता, और आपको इन्फिमम 1/2 है जो अटेंड करता है। ठीक है, तो यहां पे हम 1/2 को क्या बोल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू भी बोल सकते हैं, लेकिन हम 1 को मैक्सिमम नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि 1 मेरा अटेंड नहीं करता। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं क्या, जो मिनिमम एस है मेरा, मिनिमम एस वो है 1/2। ठीक है, और जो मैक्सिमम एस है वो मैं नहीं यहां पे बोल सकता। ठीक है, अगर आप मैक्सिमम एस लिखेंगे तो क्या होगा, यहां पे
नॉट डिफाइंड, मैक्सिमम एस हमको पता नहीं है, ठीक है। हाँ लेकिन सुप्रीमम एस आपको पता है वो कितना है, वन, क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन आपको कभी कभार एक और चीज पूछता है, वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है, नोट। क्या पूछता है आपको, आपको कभी कभार ना बोलेगा, आपको सेट दे देगा और बोलेगा कि सेट का आप लिमिट बताइए, ठीक है। फाइंड, आपको बोलेगा फाइंड लिमिट ऑफ एस, ठीक है। तो लिमिट ऑफ एस कैसे निकालेंगे, तो मिनिमम आपको मिल गया है 1/2, इसको आप लिखिएगा 1/2 ऐसे, ठीक है। लेस देन इक्वल टू, चूंकि एस में कॉन्टेन करता है, एस में अटेंड करता है, ठीक है। लेकिन वन इसका क्या है, सुप्रीमम वैल्यू है, तो लेस देन वन, चूंकि अटेंड नहीं करता तो इसलिए यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर आपको लिमिट लिखने के लिए बोलेगा तो आप इस तरीके से लिख देंगे, क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब देखिए कुछ और भी हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, तो इसको आप जितना अच्छे से जानेंगे उतना आपको मजा आएगा, ठीक है। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर बाउंडेड एबव, ठीक है, बाउंडेड बिलो, विच आर एंड विच आर नाइदर एबव नॉर बिलो, विच आर बाउंडेड नीदर एबव नॉर बिलो, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें आपको देखिए कुछ सेट्स दिया हुआ है, क्या क्या सेट्स है। नंबर वन है एस वन इक्वल टू दे रखा है आपको 1, 2, 3, 4, सेट आपको एस टू दे रखा है 0, 1/2, 2/3, 3/4, n/n+1, आपको एस थ्री दे रखा है -1, -2, -3 --1n n, ठीक है, इस तरीके से, ओके। एक और आपको सेट दे रखा है नंबर फोर, एस फोर इक्वल टू -1, 1/2, -1/3 --1n 1/n, ठीक है, ये आपको सेट्स है। तो आपको सेट्स में क्या डिमांड कर रहा है, आपको बताना है कि कौन सा सेट बाउंडेड एबव है या बाउंडेड बिलो है, ठीक है, या कौन ऐसा सेट है जो ना के बाउंडेड एबव है ना बाउंडेड बिलो है, ठीक है। पहले वो एक थोड़ा डिफिनेशन लिख लेते हैं, हालांकि वो छोटा चीज है, ठीक है, लेकिन बट इसको भी आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको कभी पूछ दे के भाई बाउंडेड एबव सेट क्या होता है, बाउंडेड एबव सेट, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि ऐसा सेट, ठीक है, जिसका अपर बाउंड मिलता हो उसको क्या बोलते हैं, बाउंडेड एबव सेट, ठीक है। ए सेट इज सेड टू बी बाउंडेड एबव इफ इट हैज अपर बाउंड्स, ठीक है, अगर अपर बाउंड्स इसके पास होगा तो ये क्या कहलाएगा, बाउंडेड एबव कहलाएगा। इसी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं क्या, बाउंडेड बिलो सेट, बिलो सेट, ठीक है, ये क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा ए सेट इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो इफ इट हैज लोअर बाउंड्स, ठीक है, अगर इसके पास लोअर बाउंड्स होंगे तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, बाउंडेड बिलो बोलेंगे, ठीक है, ओके। अब देखिए हम लोग काम करते हैं, ठीक है, जो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, जो हमारा फर्स्ट था वो है दिया हुआ एस वन इक्वल टू 1, 2, 3, 4, तो ये क्या, ये डिस्क्रीट सेट है, ठीक है, और ये तो आपको डेफिनेटली दिख रहा है कि ये जो हमको सेट दिया हुआ है, ठीक है, तो ये सेट में जितना भी वैल्यू है, ठीक है ना, वो 1 और 4 के बीच में है, ओके। तो हम इसको काफी इजीली लिख सकते हैं क्या, कि 1
एस वन जो है वो वन और फोर के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो वन इसका, चूंकि वन इसी में है तो ये इसका मिनिमम वैल्यू है, और फोर भी इसी में है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो इसके पास जो मिनिमम है वो एक तरह का क्या है, लोअर बाउंड है, और जो फोर है वो अपर बाउंड है। कि अपर बाउंड का डेफिनेशन क्या है, कि जितना भी एलिमेंट है वो उससे छोटा हो या बराबर हो, तो डेफिनेटली फोर क्या है आपका अपर बाउंड, ठीक है, और वन क्या है आपका लोअर बाउंड, कि सारा एलिमेंट वन से क्या है बड़ा है या तो बराबर है, ठीक है। तो वन है आपका लोअर बाउंड और फोर है आपका अपर बाउंड, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया बाउंडेड एवव एंड बाउंडेड बिलो, ठीक है। देयरफोर क्या एस वन इज बाउंडेड एवव एंड बाउंडेड बिलो सेट, बाउंडेड बिलो सेट, क्लियर है, ठीक है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जो दूसरा एग्जाम्पल है हमारा एस टू, वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 0, 1/2, 2/3, 3/4 से लेकर के n/n+1, ऐसा है, ठीक है ना। इसमें अब आप देखें, इसमें आपको ये चीज तो दिख रहा है कि सारा वैल्यू पॉजिटिव है, यानी 0 से बड़ा है, तो डेफिनेटली जो मेरा सेट है, ठीक है, तो इसको हम लोग पहले शॉर्ट में ऐसे लिख देंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ओके, हम लोग क्या लिख देंगे, इसको हम लोग लिख देंगे शॉर्ट में, अगर हम लिखेंगे तो ऐसे, कि जैसे मान लीजिए एस टू मेरा क्या है, सेट ऑफ ए एन है, और एन क्या है, n/n+1, ठीक है, ऐसा है। तो शॉर्ट में इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इस सेट को। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जो भी मेरा वैल्यू है ए एन, ठीक है, तो ए एन जो है मेरा वो क्या है, एक तो डेफिनेटली ये जीरो से ग्रेटर है या इक्वल है, ठीक है, और क्या है, और आप देखेंगे तो इधर का हमको वैल्यू नहीं मिल रहा है। ये तो मिल जा रहा है कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, जीरो, लेकिन मैक्सिमम नहीं मिल रहा है। मैक्सिमम आपको क्या मिल सकता है, लिमिट से मिल सकता है। तो यहाँ पर आप लगा दीजिए लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी n/n+1, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करिए, अब सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा आपका, आ जाएगा ये 0> a n <less than, इसका वैल्यू क्या आएगा, ऊपर में 1, नीचे में 1, 0, 1, ठीक है, 1 आ जा रहा है। तो ये मेरा आ गया। तो अब ये देखिए, इसके पास ये लोअर बाउंड है, ठीक है, और ये मिनिमम वैल्यू भी है, ये इसका अपर बाउंड है, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। तो हमको अभी मैक्सिमम मिनिमम से मतलब नहीं है, हमको अभी लोअर और अपर से मतलब है। तो चूंकि दोनों है इसके पास, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये भी मेरा बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड एवव है, ठीक है। देयरफॉर सेट एस टू इज बाउंडेड एवव एज वेल एज बाउंडेड बिलो, ठीक है, काफी इजी है, आसान चीज है, इसको आप इसे कर लेंगे, ठीक है ना। आइए कुछ हम लोग और भी एग्जाम्पल आगे कर लेते हैं, ठीक है। इसको पहले मैं पार्ट कर लेता हूं, ठीक है, इसको दो पार्ट में कर लेंगे तो बेटर रहेगा। तो देखिए, इसके बाद जो मेरा थर्ड एग्जाम्पल दे रखा है वो क्या है, आइए देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल को। मेरा जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है, आपको दिया हुआ है एस थ्री, ठीक है, कितना है एस थ्री, एस थ्री इज इक्वल टू है -1, 2, -3 --(-1)n, ठीक, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अच्छे से, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो सेट है ना मेरे पास, इसमें पॉजिटिव वैल्यू भी है और निगेटिव वैल्यू भी है, ठीक है। तो पहले आप इसको अलग अलग कर लीजिए, जैसे कैसे करेंगे, एस थ्री इक्वल टू, जैसे निगेटिव वाले को एक तरफ -1 है, -3 है, फिर -5 आएगा, ठीक है, इस तरीके का होगा, अच्छा यूनियन। अब पॉजिटिव वाला तो 2 है, तो फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, इस तरह से। तो ये दो सेट का यूनियन है, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख लेंगे। अब आप देखिए यहां से, तो जैसे अगर हम लोग सेट देखें, ठीक है, तो यहां से ये चूंकि क्या है, घटता जा रहा है, -5 और छोटा वैल्यू है, फिर -7 आएगा वो और छोटा होगा, तो डेफिनेटली जो सबसे छोटा वैल्यू है इस सेट का वो निगेटिव में काफी बड़ा होगा, ठीक है, यानी -∞ होगा, ठीक है। और इसी तरीके से ये वैल्यू देखिए, ये बढ़ता जा रहा है और पॉजिटिव में काफी बड़ा हो जाएगा, तो इसमें जो सबसे लोअर बाउंड है, आपको लोअर बाउंड यहां से मिलने वाला है, ठीक है, ओके। तो इसका जो लोअर बाउंड है
क्योंकि ये सेट भी क्या है, इनफाइनाइट सेट है ना, तो लोअर बाउंड अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, और माइनस इन्फिनिटी में एक लेना पड़ेगा हमको वैल्यू जो कि लोअर बाउंड हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे फॉर, अगर हम एस थ्री को ऐसा ले लेना सीक्वेंस ऑफ ए एन, ठीक है, देन क्या हम बोलेंगे कि जो ए एन है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक है, ठीक है, इसलिए कि सुप्रीमम इधर चला जाएगा इसमें माइनस प्लस इन्फिनिटी पे, और इन्फिमम आपका यहाँ पे चला जाएगा, ये बढ़ता जा रहा है तो ये चला जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी पे, ठीक है, ओके। तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, तो ऐसे केस में इस चूंकि ये तो वेल डिफाइंड वैल्यू नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयर फोर कोई इसके पास फाइनाइट लोअर बाउंड नहीं है ना अपर बाउंड है, देयर फोर क्या, सेट एस थ्री हैज नीदर लोअर बाउंड नॉर अपर बाउंड, क्लियर है, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल नंबर फोर देखिए, एग्जाम्पल नंबर जो फोर है उसमें आपको एस फोर दिया हुआ है, क्या है, माइनस वन, वन बाई टू, माइनस वन बाई थ्री, ठीक है, इस तरीके से चल रहा है, माइनस वन का पावर एन और वन बाई एन ऐसा है, ठीक है। अगर इसको आप देखिएगा तो इसमें भी देखिए निगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, तो पहले इसको आप अलग अलग कर लीजिए, माइनस वन, माइनस वन बाई थ्री, माइनस वन बाई फाइव, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है, यूनियन वन बाई टू, वन बाई फोर, वन बाई सिक्स, ये ऐसा चलता जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए, इसमें जो भी वैल्यू है जैसे माइनस वन, ठीक है, तो बाकी जो वैल्यू है निगेटिव में वो छोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो निगेटिव का जो वैल्यू है वो जाहिर सी बात है कि, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे माइनस वन है, ठीक है, ये माइनस वन बाई थ्री, ये माइनस वन बाई फाइव, तो माइनस वन से ग्रेटर है आपका माइनस वन बाई थ्री, इससे ग्रेटर है माइनस वन बाई फाइव, यानी जितना भी यहाँ पे वैल्यू है इस सारे वैल्यू से सबसे छोटा कौन है, माइनस वन, ठीक है। तो हमको इन्फिमम यहाँ से मिल जा रहा है, यहाँ से इन्फिमम क्या मिल जा रहा है हमको, माइनस वन इन्फिमम, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से इसमें आप देखिएगा, तो इसमें हम ये देखते हैं कि ये इंक्रीज करता जा रहा है वन बाई टू, ठीक है, लेकिन आप देखिए ये 0.5 है, ये 0.25 है, ये 0.33 है, तो ये क्या है, डिक्रीज कर रहा है, तो जो भी वैल्यू डिक्रीज करते जाता है वो कहाँ तक पहुँचेगा, जीरो तक पहुँचेगा, ठीक है। तो हमको यहाँ से सुप्रीमम इसका लिमिट वैल्यू से मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इन्फिमम एस, क्लियरली इन्फिमम एस जो है वो क्या है, वो है माइनस वन, ठीक है, क्यों, इसलिए कि जो एक्स माइनस वन है ये आपका क्या है, स्मॉलर आपका मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, सारा जो एक्स है वो क्या है, वो इससे बड़ा है या तो बराबर है, ओके। तो ये क्या है आपका, ये है आपका इन्फिमम एस, ठीक है। और हम जो सुप्रीमम निकालेंगे वो कहां से निकालेंगे, यहां से, एंड जो सुप्रीमम एस निकलेगा, ठीक है, इन्फिमम जाहिर सी बात है निगेटिव वाले से मिलेगा, और सुप्रीमम आपको मिलेगा पॉजिटिव वाले से, और ये चूंकि डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो ये मेरा डिक्रीज कर रहा है, अच्छा ये मेरा डिक्रीज कर रहा है, तो इधर तो वैल्यू घटने लगेगा ना, तो इसमें से हमको सुप्रीमम चाहिए, तो सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा मेरा 1 बाई टू होगा, इसलिए कि बाकी जितना भी वैल्यू है वो क्या है, 1 बाई टू से मेरा छोटा है, ये है आपका 0.5, ये आपका 0.2, 0.25, ठीक है, ये आपका कितना 0.1 कुछ, ठीक है। तो देखिए, तो 1 बाई टू मेरा सबसे बड़ा वैल्यू है पॉजिटिव में, तो हम कह सकते हैं कि जो सुप्रीमम एस है वो क्या है, वो है 1 बाई टू, इसलिए कि जितना भी एक्स है, ठीक है, 1 बाई टू क्या है, उससे बड़ा है या तो बराबर है, ओके। तो हमको यहाँ पे इन्फिमम भी मिल रहा है, सुप्रीमम भी मिल रहा है, देयर फॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयर फॉर हम लिख सकते हैं, ठीक है, एस हैज बोथ लोअर बाउंड बाउंड एज वेल एज As well as upper bound, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान से करना है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए काफी ये इजी हो जाएगा और आपको काफी आसानी से बनेगा, ठीक है, और फिर आपको कोई दिक्कत भी इसमें नहीं होने वाला है, ठीक है। कुछ और भी हम लोग क्वेश्चन इसका देखेंगे, तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।